आई होप यू आर फाइन. टूडे आई डिस्कस एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5. इफ अल्फा बीटा एंड गेमा आर द एंगल ऑफ आर ट्राइंगल ए बी एंड सी देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गेमा. अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रूव करना है. तो आपके पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गेमा. अब ये देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है. तो इसके लिए आपको मैं बात बताऊं, यहाँ पे उन्हें ये बात बताई हुई है एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल. ये पॉइंट गौर से समझना है. एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल किसके इक्वल होता है? आपके पास पूरी की पूरी जो ट्राई एंगल होती है वो आपके पास 180 के बराबर उसके एंगल होते हैं. अब यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे मेंशन करके बताऊँ, ये अल्फा, ये बीटा, ये गेमा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये तीनों एंगल आपके पास 180 के बराबर होते हैं. ठीक है, तो आपने ये करना है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180. मुझे ये बताओ क्वेश्चन में ये कौन सी फॉर्म है. मैं लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व करूँगा अभी. तो मुझे ये बताओ, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे जस्ट अल्फा और बीटा है. थर्ड एंगल को मैं राइट हैंड साइड में मूव कर दूंगा. ठीक है, तो मेरे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गेमा. अब ये फॉर्म बनी, आप दोनों साइड पे मैं क्या लूंगा, साइन थीटा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड. सो दिस इज इक्वल टू टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड. साइन एंगल है, तो आपके पास बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस गेमा. सो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है. हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. तो मेरे पास बनेगा साइन, यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन 180 माइनस गेमा. ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये कौन सा फार्मूला बनता है, साइन अल्फा माइनस किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा. साइन में प्लस नहीं होता, एज इट इज होता है, कॉस में प्लस होता है. अब इसमें वैल्यू यूज कर लो साइन 180 माइनस गेमा. सो दिस इज इक्वल टू साइन 180 कॉस गेमा माइनस कॉस 180 साइन गेमा. अब ये देखिए, साइन 180 आपके पास जीरो के बराबर होता है, जीरो कॉस गेमा माइनस कॉस 180 माइनस वन के बराबर, माइनस वन साइन गेमा. सो दिस इज इक्वल टू साइन गेमा. सो आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा था ना, तो आपने ये बता देना था ना, तो आपके पास ये क्या आ गया प्लस. अच्छा, ये हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया. ठीक है, तो आपके पास ये माइनस ही यूज़ होगा. तो लास्ट ये मैंने लिखा इक्वल टू राइट हैंड साइड है मेरे पास साइन ऑफ गेमा, ये आंसर है. अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस गेमा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट, सिंस कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, आप इसके लिए वही बात आपने करनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180. आपके पास है अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस, अब यहाँ पे आपने टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड लेना है. तो आपके पास बनेगा कॉस ऑफ 180 प्लस बीटा कॉस ऑफ 180 माइनस गेमा. इसमें कॉस का ये फार्मूला यूज करना है, जो माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, ये तो माइनस ही है ना. कॉस आपके पास यहाँ पे अल्फा है, वेरी गुड.
आप ये देखो राइट हैंड साइड को अगर साल करते हो तो काज बनी थी, काज गेमा, अगर माइनस है तो किस में चेंज होगा, प्लस काज बनी थी काज गेमा साइन गेमा। अब ये देखो काज वन एटी किसके इक्वल होता है, माइनस वन काज गेमा और साइन वन एटी, ये आपके पास माइनस काज गेमा। लेकिन आपको मैं बात बताऊं, ये ऑटोमेटिकली जब मैंने फार्मूला सारे के सारे लिखवाए थे उसमें जो काज वाला और उसका रेसिप्रोकल का जो साइन माइनस होता है वो आपस में क्या हो जाता था, इन्वर्स हो जाता था, तो आपके पास आगे काज ऑफ आई समझ, इसको लिख लें।